साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पब्लिक ड्यूटी, लोक कर्तव्य, या पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, या अनडू एडवांटेज, ऐसे एडवांटेज जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं है। ये तीनों कंसेप्ट को समझना होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को आगे बढ़ने से पहले। कारण क्या है, मैं पढ़ा तो बहुत कुछ दूंगा पर क्लास 12th में आने से पहले LKG HKG क्लास फर्स्ट की पढ़ाई नहीं करी तो आगे की पढ़ाई जो है नहीं पढ़ने वाली आपको। तो समझ लो बेसिक कंसेप्ट क्या है। आज जो कंसेप्ट समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं PPT के माध्यम से। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक शब्द लिखा है पब्लिक ड्यूटी और पब्लिक सर्वेंट। साथियों ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है कानून के अंदर है। साथियों सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट वी मीन बाय पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी या लोक कर्तव्य, जिसको सेक्शन 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या 2B प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हम कहेंगे, उसमें डिफाइन किया गया है। इसके दो हिस्से मैंने इसलिए किए हैं कि रिसेंटली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं 2018 के अंदर। 1988 में क्या परिभाषा थी इसकी, पब्लिक ड्यूटी मींस एनी ड्यूटी इन डिस्चार्ज ऑफ विच स्टेट और पब्लिक और कम्युनिटी इज इंटरेस्टेड। हिंदी में कहेंगे जिसके निर्वहन में राज्य या उसकी जनता या समाज रुचि रखते हों। 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उससे कोई असर इस परिभाषा पर नहीं पड़ा है, जिस कारण मैंने स्पेसिफिक लिखा है कि कोई बदलाव जो है यहाँ पर नहीं किया गया है। अब हम आते हैं पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। हिंदी में कहेंगे हम लोक सेवक, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर। साथियों मैंने कंपेरेटिव चार्ट दिया है 88 का और सन 2018 का। साथियों यहाँ पर दो बातें हैं कि कैटेगरी वाइज अगर हम इसको समझेंगे तो हमारे लिए समझना और समझने के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस करना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। और यदि हम केस फेस कर रहे हैं तो हमें कैटेगरी मालूम पड़ जाएगी कि हम इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। और यदि हम एक डिफेंडिंग काउंसिल हैं तो हमें भी अपने क्लाइंट को समझाने में काफ़ी ईजी रहेगा कि किस सेक्शन में जो है आपको डिफाइन किया गया है और क्या लाइबिलिटी जो है एज पर लॉ आपकी बनती है। साथियों सबसे पहले की जो शुरू की 3 कैटेगरी है जिसको हमें देखना होगा, जो ये कहता है कि एनी पर्सन इन पे और रिन्यूमरेशन ऑफ गवर्नमेंट इन डिस्चार्ज ऑफ इस पब्लिक ड्यूटी, ये क्या हो जाएगा जी, पब्लिक सर्वेंट। दूसरी कैटेगरी है पर्सन इन पे और रिन्यूमरेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी। तीसरी है पर्सन इन पे और रिन्यूमरेशन ऑफ कॉरपोरेशन स्टेब्लिश बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स समुचित सरकार, जो केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है, या उसकी कंपनी भी हो सकती है, इन डिस्चार्ज ऑफ द पब्लिक ड्यूटी। कितना आसान है 3 कैटेगरी को समझना। आगे लिखा है मैंने 2018 में नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज जो है वर्तमान में नहीं किए गए हैं। अब चौथी कैटेगरी में आ रहे हैं जजेस, जो जज फैसला करते हैं, या एनी पर्सन परफॉर्मिंग एडजुडिकेटिंग फंक्शन, उसको भी जो है इसमें शामिल किया गया है। एनी पर्सन कनेक्टेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जैसे कोर्ट का रीडर है, कोर्ट का बाबू है, कोर्ट का चपरासी है, या कोर्ट का कोई मुंसरिम है, या कोई लिक्विडेटर है जो कोर्ट अपॉइंट कर रही है, कोर्ट का कमिश्नर है, ये सब उस कैटेगरी में आ गए। अगेन देर इज नो चेंज। फिर है आर्बिट्रेटर टू होम द मैटर इज रेफर्ड बाय द कोर्ट, कई बार कोर्ट जो है रेफरेंस करती है आर्बिट्रेटर को, इन केस देर इज आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द एग्रीमेंट, तो वहां पर जो पर्सन आर्बिट्रेटर होगा उसको अगर मैटर रेफर किया है कोर्ट ने, देन ही वुड बी अ पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद है पर्सन कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफिस, कई होते हैं इलेक्ट्रल ऑफिस देखे, इलेक्शन कमीशन को देखा है आपने, तो उससे जुड़े हुए सभी व्यक्ति इस कैटेगरी में जो है कवर हो जाएंगे। पर्सन होल्डिंग ऑफिस टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, जो व्यक्ति अपना ऑफिस होल्ड करते हुए पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे सभी व्यक्ति इस कैटेगरी में जो है वो कवर हो जाएंगे। अब हम चलते थोड़ा सा आगे, ऑफिस बियरर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड और बैंकिंग सर्विसेज, वो भी जो है इसमें कवर हो जाएंगे। ऑफिस बियरर और एम्प्लॉय ऑफ सर्विस कमीशन और बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी, जैसे आज कोई एग्जाम आप देते हैं तो उसके जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं, वो सब इसमें कवर हो गए। इसके अलावा वाइस चांसलर और मेंबर ऑफ एनी गवर्नमेंट बॉडी इंक्लूडिंग प्रोफेसर रीडर लेक्चरर और टीचर और एम्प्लॉई ऑफ ए यूनिवर्सिटी और अथॉरिटी गवर्न बाय द गवर्नमेंट, वो सब जो है इसमें कवर हो गए। इसके अलावा आ रहा है ऑफिस बियरर ऑफ एजुकेशनल और साइंटिफिक और सोशल और कल्चरल और अदर इंस्टीट्यूशन, वो भी जो है इसमें कवर हो गए। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, जो पब्लिक सर्वेंट रिटायर हो चुके हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं है, या प्राइवेट पर्सन जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो कुल मिला के इतना आसान जो है परिभाषा हमने समझा। आसानी क्या है कि हमने कैटेगरी बांट दी कि जो व्यक्ति पब्लिक ड्यूटी को जो है परफॉर्म करेगा, गवर्नमेंट से पे लेगा, रिन्यूमरेशन लेगा, वो सभी व्यक्ति जो है पब्लिक सर्वेंट हैं, जो नहीं ले रहे हैं वो नहीं है। अब हम आ रहे हैं लास्ट पार्ट में,
अनटू एडवांटेज, ये जो है जोड़ा गया है 2018 के अमेंडमेंट एक्ट से, 1988 में ये नहीं था। 2D में जो है इसको जोड़ा गया है, इसको कहते हैं अनुचित लाभ। परिभाषा क्या है? ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिम्यूनरेशन इज अनड्यू एडवांटेज। आज हमने समझा पब्लिक ड्यूटी क्या होती है, पब्लिक सर्वेंट क्या है, अनड्यू एडवांटेज क्या है। कंसेप्चुअली आप अब क्लियर हो गए होंगे कि इन परिभाषाओं के ऊपर। अब जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो ये शब्द जो है बार बार फिर से आएंगे, तो शब्द को आपने समझा होगा, परिभाषाओं को आपने समझा होगा, तो जब आगे पढ़ूंगा तो आपको दिक्कत जो है नहीं आएगी। तो साथियों मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि ACT के स्पेशल कोड्स क्या हैं, उनकी पावर्स क्या हैं और वो कैसे जो है फंक्शन करते हैं, और कौन व्यक्ति जो है यहां पर एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए। तो सेक्शन 3, 4, 5 पर जो है मैं एम्फेसिस करूंगा। तो साथियों टॉपिक पढ़ के आइएगा। साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।